That's it. Hey. सो हेलो गाइस, वेलकम आपका अपने चैनल टैग स्टेट में। तो अभी आपने जो वीडियो देखी या आपने इंस्टाग्राम रील्स पे इस टाइम पे बहुत से देखी होगी, तो मैं आज आपको इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल देने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी वीडियोस के साथ इस वीडियो को बना सकते हैं। थोड़ी आवाज़ चेंज आए तो यार थोड़ा एडजस्ट कर लेना, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, बट स्टिल मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप वीडियो को इन्जॉय करना। 70 प्लस लाइक को कंप्लीट कर देना, आज का लाइक टारगेट है ये। और चैनल पर पहली बार आए थे और रेगुलर बेसिस पर रील्स के ट्यूटोरियल देखना चाहते हो देन चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम बढ़ते हैं डायरेक्टली वीडियो की ओर, बट उससे पहले एक और चीज़, कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर। सब वीडियो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है VN वीडियो एडिटर में, और यहाँ से पहली जो वीडियो होगी वो हमारी बाल्टी वाले सीन की होगी। तो वो बाल्टी वाला सीन आपको टेलीग्राम पे मेरे मिल जाएगा, मतलब वहाँ पे वो वीडियो का पार्ट मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। नीचे लिंक है, आप वहाँ से डायरेक्टली टेलीग्राम पे पहुँच जाएंगे। उसके बाद आपको अपनी 13 वीडियो सेलेक्ट करनी है, पहले वो बाल्टी वाली वीडियो सेलेक्ट करनी है, उसके बाद बाकी की 13 अपनी वीडियोस के साथ आप बना सकते हैं। यहाँ पे आप फ़ोटोज़ के साथ भी बना सकते हैं, बट ट्रेंड में वीडियो यूज़ हो रही है तो यहाँ पे मैं वीडियो ले रहा हूँ। तो वीडियो 13 होंगी और एक बाल्टी वाला, टोटल हमारी 14 वीडियोस हो गए। अब ये एंड का ब्लैक पार्ट हटाएंगे। अब डायरेक्टली बढ़ते हैं कि ऑडियो आपको कहाँ से मिलेगा। तो ऑडियो हमेशा की तरह टेलीग्राम पे मिलेगा, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। अब एग्जैक्टली इस सॉन्ग का नेम तो पता नहीं, तो मैं कुछ भी ऑडियो रख दूंगा, बट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ऊपर ओरिजिनल पे टैप करो, 9:16 सेलेक्ट कर दो क्योंकि ये रील का रेशो होता है। अब आपको ऑडियो पे टैप करके डायरेक्टली ऑडियो इंपोर्ट कर लेना है। अगर आपने टेलीग्राम से डाउनलोड कर लिया देन यहाँ इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे म्यूज़िक बीट के ऑप्शन में ये जो मैंने बीट लगा रखे हैं आपको, ये मैं बता रहा हूँ 2.73 पहला है, फिर 2.91, देन 3.14, देन अगला है 3.50, देन अगला है 3.83 सेकेंड, देन अगला 4.13, देन अगला 4.45, ऐसे करके टोटल 13 पॉइंट है। तो ऐसे आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं आपको थोड़ी देर में डिस्प्ले करवा दूंगा एक चार्ट, उसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो अब डायरेक्टली बढ़ता हूँ उस चार्ट की ओर और उसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो ये जो चार्ट आपको डिस्प्ले हो रहा है आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, और वहीं वहीं आपको डॉट लगाने जहाँ जहाँ मैंने आपको बताए हैं और इसमें लिखा हुआ है। तो ये 13 पॉइंट्स हैं, आपको 13 पॉइंट्स अपने लगा लेने हैं, उसके बाद का काम मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइमलाइन ज़ूम कर लेनी है। टाइमलाइन ज़ूम करने के बाद पहले डॉट पे आ जाना है, और पहले डॉट पे आने के बाद जो पीछे का एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसे डिलीट कर देना है। हालांकि ये बाल्टी वाला पार्ट आपको एक्स्ट्रा डिलीट नहीं करना है, तो ये टाइमिंग के हिसाब से यहाँ पे आएगा। तो पहला डॉट अभी यहाँ से है, तो पहला डॉट पे जाना है और हमारी पहली वीडियो का जितना पार्ट आएगा पहली वीडियो का उतना हम रखेंगे और एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट कर देंगे। एक्स्ट्रा पार्ट कैसे डिलीट करना है, डॉट पे आए, स्प्लिट पे टैप करा, एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट। डॉट पे आए, स्प्लिट पे टैप करा, एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट। डॉट पे आए, स्प्लिट, एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट। डॉट पे आए, स्प्लिट, एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट। इसी तरीके से आपको सारी वीडियोस के साथ कर लेना है। ऐसे 13 वीडियोस हैं हमारी, तो 13ों के साथ हमें यही चीज़ करनी है। अब इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, तो यहाँ पे हम टाइम दे देते हैं। हालांकि मैंने वीडियो 2x कर दिया है, बट जितना टाइम लग रहा है आप इतनी देर में वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको 70 प्लस लाइक कंप्लीट करने हैं ताकि आप अगला ट्यूटोरियल जल्दी देख पाएँ। तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर देना, अगर वीडियो पसंद आ रही देन एंड में कमेंट करके ज़रूर बताना, या अभी भी आप कर सकते हो। अब बढ़ते हैं अगले प्रोसेस की ओर, क्योंकि हमने ये प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। अब अगला प्रोसेस है हमारा इफेक्ट, मतलब इफेक्ट वगैरह लगाने का, ट्रांजिशन इफेक्ट्स जो इस वाली वीडियो में यूज़ हो रहे हैं वो लगाने का। तो सबसे पहले एंड की एडजस्टमेंट ख़त्म करके आपको शुरू में आ जाना है, देन यहाँ पे आपको नीचे इफेक्ट्स का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे एक प्लस का आइकन आता है, बट यहाँ प्लस का आइकन नहीं आ रहा है, तो हम इफेक्ट्स में जाएंगे। इफेक्ट्स में आने के बाद यहाँ पे हमें एक वाइट करके इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा, तो पहले इफेक्ट्स में आना है। सो नीचे आपको इफेक्ट्स लिखा हुआ दिख रहा है, उस पर टैप करना है, देन यहाँ पे वाइट वाला आपको दिख रहा है, इसे आपको शुरू में ले आना है ड्रैग करके, और इसकी ड्यूरेशन कर देनी है बिल्कुल कम। कम करने के बाद नीचे एक लाइन बनी आ रही है, उसे आपको एंड तक ले जाना है। जो नीचे मैं मार्क कर रहा हूँ ये लाइन, ये वाली आपको एंड तक ले जाके राइट पे टैप कर देना है, और राइट पे टैप करने के बाद ये आपका इफेक्ट लग जाएगा। बस एक ही इफेक्ट की ज़रूरत थी, आगे के मैंडेटरी नहीं है इफेक्ट,
बट आप लगा सकते हैं, मतलब सभी में वो वाइट वाला इफेक्ट लगा देंगे तो आपकी अच्छी लगने लगेगी वीडियो। बाकी यहाँ से आपकी वीडियो कम्प्लीटली बन जाएगी, आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के बाद जो आउटपुट मैंने वीडियो के शुरू में दिखाया था वही बन के आया था, बट एक और बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि आउटपुट क्या बन के आया है और कैसी बनी है हमारी वीडियो। तो वीडियो देखो अब एक बार। सो यहाँ से हमारी वीडियो एंड होती है। आई होप आपको ट्यूटोरियल इजी लगा होगा। अगर इजी लगा है देन वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए थे देन सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी भी लगी। हम आपको मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।